रायसेन जिले में 2021 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिले के प्रकरणों के निराकरण के लिए न्यायाधीशों की कुल 24 खंडपीठ का गठन किया गया। नेशनल लोक अदालत में सर्वाधिक संख्या चेक बाउंस विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरण रखे गए। लोक अदालत में न्यायालयों में करीब 500 लंबित प्रकरणों और 2500 प्रीलिटिगेशन प्रकरण का निराकरण किया गया। इस नेशनल लोक अदालत में बिना मास्क पहनकर आने वाले पक्षकारों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन की ओर से 300 मास्क का निःशुल्क वितरण किया गया। लोक अदालत में आने वाले पक्षकारों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था की गई। पुराना लोन था सर मेरा, मैं बहुत दिनों से पहले से लिया था और मैं लोक अदालत से आज पूरा कर लिया हूँ, तो उससे मुझे छुटकारा मिला। चूंकि अधिभार में छूट मिलती है इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा प्रकरण लगाने का प्रयास किया है, तो हमने लगभग 200 से सवा 200 प्रकरण लगाए हुए हैं जिनकी राशि रुपए लगभग 5000 रुपए निर्धारित की गई है। एजुकेशन लोन था लोक अदालत में, बैंक हमारे बीच में समझौता हुआ, उसमें रियायत होते हुए 1,65,000 में 2,37,000 के लोन का समझौता हुआ। आज जिला मुख्यालय रायसेन और जो हमारी 6 तहसील हैं गौहरगंज, बरेली, उदयपुरा, सिलवानी, गैरतगंज और बेगमगंज, इन सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। आज इस लोक अदालत में हमारे रायसेन जिले में कुल 24 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें लगभग 4000 लिटिगेशन और 8000 प्री लिटिगेशन मामले रखे गए हैं। ये मामले सभी राजीनामा योग्य प्रकरण हैं, जैसे आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउंस, धारा 125, घरेलू हिंसा, हिंदू मैरिज एक्ट, इस प्रकार के सभी राजीनामा योग्य प्रकरणों को रखा गया है। आज हमारे लोक अदालत में हमारी ब्रांच से रायसेन मुख्य शाखा से करीब 25 केस लगे हुए हैं और हमारी विदिशा रोड रायसेन शाखा से भी लगभग इतने केस लगे हुए हैं। तो आज हमें अभी तुरंत तो हमें कैश रिकवरी हमारी आज करीब 5 लाख की हमने रिकवरी कैश किए हैं और अभी भी